नमस्कार दोस्तों, हमारे कॉर्नर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको लेके आ गया हूँ बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड इमलीपारा रोड के पास। दोस्तों, जब पिछली बार आया था तो यहाँ की मूर्तियाँ पूरी तरह से इनकम्प्लीट था, उस टाइम सिर्फ मिट्टी का काम हुआ था। और दोस्तों, अभी देखेंगे कि अभी मूर्तियों में कितना काम हो चुका है। वैसे तो दोस्तों, अंदर से मैं घूम के आ चुका हूँ, तो अभी यहाँ का जो मूर्तियों में कलर काम है पूरी तरह से हो चुका है, लेकिन कलर करने के बाद भी कुछ कुछ काम जो रहता है वह अभी भैया लोग अंदर में कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, देख सकते हैं इमलीपारा रोड, और सामने है उमाकांत सहारे मूर्ति का, जो इन्हीं का शॉप है, और सामने है पुराना बस स्टैंड बिलासपुर का। और दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइन से पंडाल मिल जाएगा, आपको यहाँ पर छोटी बड़ी साइज की सभी प्रकार की मूर्तियाँ मिल जाएगी, देख सकते हैं। और यहाँ पर है उमाकांत सहारे मूर्तिकार जी का शॉप, और यहाँ पर गणेश विश्वकर्मा सभी प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती है, और इनका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है बैनर में, देख सकते हैं। और अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर मूर्तियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी है। लगभग सभी मूर्तियों में कलर का जो काम है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बस कलर होने के बाद कुछ कुछ सजाने का जो काम रहता है यहाँ पर भैया लोग अभी कर रहे हैं अंदर में। तो दोस्तों, लाइन से एक एक मूर्तियों को देखते हुए चलते हैं, और कौन सा मूर्ति आपको पसंद आएगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, सामने देख सकते हैं लगभग सभी मूर्तियों में कलर का काम कंप्लीट हो चुका है। मूर्तियों का जो फिनिशिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। और इस साइड की जितनी भी मूर्तियां हैं सिंहासन बैठे हुए जैसे बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। और सामने देख सकते हैं दोस्तों, पेड़ जैसा बनाए हुए हैं मूर्ति में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो दोनों मूर्ति सामने दिख रहा है दोनों सेम साइज की, और जो मॉडल है देख सकते हैं दोनों सेम ही प्रकार का है। और यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं दोस्तों, जलपरी जैसा बनाए गए हैं। इसको देख सकते हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। जो मूर्ति का फिनिशिंग है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ की काफी अच्छा लग रहा है। जो चमक है मूर्तियों का बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जितनी भी मूर्तियाँ दोस्तों सेम साइज की लग रही है, यहाँ पर देख सकते हैं 5 से 6 फीट है मूर्तियों का जो साइज है। और जो फिनिशिंग है उसको भी देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा लग रहा है। जितनी भी मूर्तियाँ दोस्तों देख सकते हैं, बहुत अच्छा चमक रहा है। जैसे छोटे छोटे साइज की मूर्तियाँ रहती हैं उसमें चमक रहता है, वैसे ही इन सभी मूर्तियों में देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है चमक जो है। और इसको देख सकते हैं तो नंदी महाराज जैसे बनाए हुए हैं, और हाथ में उठाए हुए हैं छोटा सा बस गणेश महाराज जी। और सामने देखते हैं अभी, और इस लाइन की सभी मूर्तियों को दोस्तों देख सकते हैं, जो सिंहासन में बैठाले हुए हैं ऐसे बनाए हुए हैं। और अभी सभी में देख सकते हैं नीचे जो धोती है उसको पहना दिए गए हैं, और इसमें है जो पगड़ी लगाए हुए हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं जो पगड़ी है। सिंहासन में बैठे हुए ऐसे बनाए हुए हैं मूर्तियों को। और यहाँ पर देख सकते हैं कागज़ में कुछ लिखा हुआ है, जैसे जो समिति द्वारा बुक किया गया है। भैया, जो समिति द्वारा बुक किया गया वही लिखा है ना? हाँ, ये समिति द्वारा बुक किया गया है। और भैया भी समिति का टोकन लगा हुआ है अलग अलग। अच्छा, सब समिति का टोकन लगा के रखे हुए हैं, तो अभी अच्छा सब भी खो चुका है, अभी खाली नहीं है अभी ना। और पूरा मूर्ति अभी तैयार हो चुका होगा कि अभी कुछ कुछ काम रहेगा? कुछ कुछ काम बचा हुआ, 20% काम अभी बचा हुआ सजाने का। क्या यहाँ जो मूर्तियों का रेट है कितना से स्टार्टिंग होगा? 8,500 से स्टार्ट है, 15,000। और भैया, जितना मूर्ति बनाया था वो पहले से बुक वाला था कि मतलब? नहीं, कुछ कुछ ऑर्डर भी दिया गया था, वो बना हुआ है, कुछ ऐसे अपने मन से भी बनाए, डिजाइन जैसे ही मूर्ति ऑर्डर की है। हाँ, फोटो देख के बनवाया गया है। अच्छा, उसको भी फोटो देख के बनवाया गया है। फोटो देख के भी बन जाता है ना मूर्ति? फोटो देख के बनाया गया है। समिति की मूर्ति भी फोटो देख के बनाया गया है। आधे से ज़्यादा मूर्ति पहले से बुकिंग वाला रहता है, बुक ऑर्डर वाला रहता है ना? 15 मूर्ति जो थी एक्स्ट्रा बनी थी वो भी बुक हो गई। हाँ, और भैया यहाँ का जो मूर्ति है फिनिशिंग बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मिट्टी यहीं का है कि बाहर से लेके आए थे? बाहर का रहता है। और जो कलर पेंट है वो कलर कितना यहीं का लोकल
यही का ना, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का जो फिनिशिंग है वो बनावट है वैसा, फिनिशिंग देना पड़ता है सब। हाँ और भैया जो बनाने वाले रहते हैं वो आप यहीं के रहते हैं कि बाहर? लोकल है, यहीं के है ना लोकल। तो दोस्तों अभी जो मूर्तियां सभी बुक हो चुकी है, देख सकते हैं जितनी भी मूर्तियां दिख रही है सभी यहां बुक हो चुका है। और दोस्तों इस वाली मूर्ति को देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है, जो बजरंग बली है वह गणेश जी को अपने पीठ पर बैठा ले हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है मूर्ति ए वाला मूर्ति। और सामने जो है देख सकते हैं जो शंकर भगवान जैसे बनाए हुए हैं और कंकाल का जो माला पहनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है वाले मूर्ति। और जो मूर्ति का फिनिशिंग है उसको भी देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी चमक रहा है जो फिनिशिंग है। और जो मूर्ति है ऑर्डर में बनाए हुए हैं जो भैया उसको बताए हैं अभी। वैसे तो जितनी भी मूर्तियां यहाँ की सभी प्यारी लग रही है, देख सकते हैं जो फिनिशिंग है बहुत प्यारा है यहाँ का। और भैया जैसे नवरात्रि के टाइम आते हैं दुर्गा बुकिंग में मिल बन जाएगा? ऑर्डर में चालू है, जैसे गणेश चतुर्थी में उसके काम चालू हो जाएगा। और फोटो लेके आते हैं तो बन जाएगा? हाँ तो समिति वाले आते हैं तो फोटो लेके बन जाएगा ना ऑर्डर में। तो दोस्तों अगर नवरात्रि के टाइम आप यहाँ आते हैं दुर्गा जी की मूर्ति बनवाने के लिए, फ़ोटो लेके भी आते हैं तो उसके हिसाब से भी यहाँ मूर्ति बन जाएगा। अभी से ऑर्डर लेना चालू हो गया ना भैया? तो यहाँ ऑर्डर लेना चालू हो चुका है दुर्गा जी की मूर्ति का। तो यहाँ पास एड्रेस के सहारे और नंबर के सहारे आ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।